नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमन वर्मा। आइए नजर डालते हैं व्यापार से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, जन कल्याण संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को युवा राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने के लिए माला पहनाकर बधाई दी। मीनापुर के क्रांतिकारी युवा और जन कल्याण संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह युवा राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। वे पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, बेतिया, रोहतास, आरा सहित विभिन्न जिलों से आए अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए। सीतापुर वैश्य चेतना मंच के प्रेसिडेंट मिथिलेश ने वैश्य ग्रुप के सहकर्मियों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में वैश्य ग्रुप के कई बड़े बड़े लोगों ने शिरकत की। अयोध्या विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता जी को वैश्य जाति ने गौरवमय इतिहास भेंट किया, साथ ही उन्हें उनके जीवन के भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। कैब सेवा प्रदाता कंपनी ओला और उबर के चालकों के साथ दिल्ली सरकार और कंपनी प्रबंधन की बैठक के बाद राष्ट्रीय राजधानी में 13 दिन लंबी टैक्सी हड़ताल हुई खत्म। वहीं हड़ताल का नेतृत्व कर रही SDAD ने यह दावा किया कि ओला ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया है। हालांकि कंपनी के प्रबंधन ने इस पर कोई टिप्पणी करने से किया इनकार। देश के किसी भी ATM से नकली नोट निकलने की समस्या से निजात के लिए अब कैश रिसाइकल लगाए जाएंगे, जो ना तो नकली नोट लेगा और ना ही देगा। यही नहीं, इससे ATM में जीरो कैश के कारण लोगों को निराश नहीं लौटना पड़ेगा। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कहा है कि नोटबंदी का बैंकों की लोन और डिपॉजिट ग्रोथ पर काफी असर हुआ और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पड़ी सुस्त। हालांकि अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में बैंकों की एसेट क्वालिटी पर इसका मिला जुला इम्पैक्ट दिखा था। केंद्र सरकार ने PM मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के लिए अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बता दें, शिल्पा TV और रेडियो अभियानों से सड़कों पर गंदगी फैलाने वाले लोगों को जागरूक करेगी। रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने पोस्टपेड यूजर्स के लिए नया ऑफर पेश किया। बता दें, इसमें ₹649 में 13 GB में 4G डाटा मिलेगा। पवन ऊर्जा की दर ₹3.46 प्रति यूनिट के रिकॉर्ड के निम्न स्तर पर पहुंची। बता दें, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 1000 MW की नीलामी करने पर यह दर सामने आई है। वहीं इससे पहले सौर ऊर्जा की दर भी ₹2.97 प्रति यूनिट के न्यूनतम स्तर को छू चुकी है। मेरे साथ वैश्य व्यापार न्यूज में फिलहाल इतना ही। व्यापार से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहें वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।